नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नया नगर के सेक्टर 1 में चोरों ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर सहित एक ही रात में दो घरों को अपना निशाना बनाया। हालांकि विक्रम ठाकुर के घर से तो एक भारी भरकम पीतल का गुर्ज ही चोरी हुआ, लेकिन उनके साथ लगते घर में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने और चांदी के जेवरत ले उड़े। नया नगर पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 1 के मकान नंबर 122 में रहने वाले कमर खान और दिलावरी खान के भतीजे शहनाज खान ने बताया कि उनकी बुआ की आंखों का ऑपरेशन करवाने उनके फूफा पीजीआई चंडीगढ़ गए हुए थे और उनके पीछे से रात चोरी की ये वारदात हुई है, जिसकी जानकारी पड़ोसियों द्वारा उनके फूफा को दी और उन्होंने मुझे जहां भेजकर और जब मैंने आकर देखा तो घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था और चोरों ने बड़े आराम से घर की तलाशी ली। शहनाज खान ने बताया कि उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि घर से एक सोने का सेट और पायल की जोड़ी देखी थी जो गायब है। शहनाज खान ने कहा कि इस वारदात में लगभग उनका 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी नया नगर पुलिस को दे दी गई है। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हैं शहनाज खान ने, पहले यह सुने। कितना नुकसान हो गया सर? नुकसान जरा घटो घट भी 5 लाख का नुकसान है जी। घर जरा है जिथे चोरी हुई, मेरी भूआ जी का घर है। नाम है कमर खान, भूआ का नाम है दिलावरी खान। वो गए हुए पीजे अपनी अख का ऑपरेशन करान। सानू सवेरे फोन आया इन्होंने गुआढ़ियों का कि इतने चोरी हो गई है। जब असं आके देखे तो सारा तुडे सामने ही है जी, फलोरी जीती हुई है। फिर भूआ जी ने फोन करके पूछा की सीगा जी, तो उन्होंने दसाया कि एक सोने का सैट सीगा जी, पूरा सैट सीगा सारा कुछ, तो पंजेबा सीगा। वो सोने का सैट जो सीगा उसकी कीमत लगभग 4-4.5 लाख के बीच है। ये नुकसान है सर। शिकायत कराती पुलिस? हाँ जी, पुलिस ने शिकायत कराती जी। पुलिस पार्टी मौका देख गई है, देखो अगे जी क्या होता है। उधर चोरों ने इस मकान के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के मकान नंबर 123-24 को भी अपना निशाना बनाया। हालांकि इस वारदात में उनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चोर जाते समय घर में रखा भारी भरकम पीतल का गुर्ज ले उड़े, जिसकी शिकायत हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की पत्नी ममता ठाकुर ने पुलिस के पास कर दी है। एक ही रात में चोरी की दो वारदातें होने से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है, लेकिन शिकायत मिलते ही नया नगर पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते नया नगर पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह, आप भी सुने। जानकारी मिली थी कि दो घर चोरी हुई है, की पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी हाँ, सानू सलाह मिली सवेरे, सलाह मिली है सेक्टर 1 के मौके पर पहुंचे हैं, जो कार्रवाई बन रही है कर रहे हैं। असं देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं और अगर कुछ पार्टी लगेगी। बता दें कि मकान नंबर 123-24 में हिमाचल के उद्योग मंत्री की माता, पत्नी और बेटी साथ रहते हैं और विक्रम सिंह भी जब नंगल आते हैं तो इसी मकान में अपने परिवार सहित रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी फर्टिलाइजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर शिक्षक सेवाएं दे रही है। श्री हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय एवं प्रसूति गृह नंगल भलान रोड गोलहनी आपकी सेवा में दिन रात हाजिर है। यहाँ हर बीमारी के उपचार के अलावा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, एक्सरे, ईसीजी, लैब, फोटोथेरेपी, एनआईसीयू, पीआईसीयू, माइनर मेजर सर्जरी, डिलीवरी, प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध, वह भी काफी कम दामों पर। हमारे यहाँ उन जरूरतमंद लोगों का निशुल्क उपचार किया जाता है जो पैसे देने में असमर्थ हो। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर राम सिंह, फोन नंबर 9872318223, डॉक्टर प्राची जगोता, बीएमएस एंड डाइटेशन, 8350811600। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध
करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, विशिष्ट ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।